हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. तो यार लाइटनिंग नहीं आ रही कहीं अच्छी सी. ये मेरी ट्रॉफी, ये मुझे अचीवमेंट मिली है GLN. देखो ये मिली है मुझे एकेडमिक्स में. सेवेंथ एट्थ सेमेस्टर में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, इसलिए मुझे ट्रॉफी मिली है. और ये कितनी बढ़िया, देखो. तो मैं जा रही हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं गाँव जा रही हूँ. और मम्मी कब से बुला रही थी, मम्मी इसलिए बुला रहे थे कि घर पे काम है बहुत ज़्यादा, इसलिए मम्मी बुला रहे थे. और अभी मैं सामान वामान पैक कर रही थी. सामान वामान मतलब मुझे क्या हो गया है, मतलब मैं एक स्पेसिफिक वर्ड के चार पांच शब्द निकाल देती हूँ. खाना वाना खा रही थी, सामान वामान पैक कर रही थी, गाँव गूँ जा रही थी. मतलब मुझे ना ऐसा हो गया कि एक वर्ड के मुझे बहुत सारे वो निकलते हैं. तो यहाँ पे मेरी बुक्स है, ये मेरी यहाँ पे बुक्स है, ये मेरी ट्रॉफी है, ये कपड़े वपड़े हैं कुछ, कपड़े वपड़े हैं कुछ, ठीक है. तो प्लीज इग्नोर करना है, मैं बोल के नहीं करती. होता है यार, सबको दिक्कत होती है कि आप हाथ ज्यादा चलाते हो. अब जो भी है ना, चुपचाप से देख लो, मुझे हैंडल कर लो, समझ आई? प्लीज यार, मैं नहीं कर सकते, ठीक है. और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए वाई वाई. आजकल मुझे वाई वाई मैं इतने खाती हूँ ना, मतलब मेरी फेवरेट नूडल हो चुकी है ये. मैगी को मैंने टाटा वाई वाई कर दिया और अब मैं खाती हूँ सिर्फ वाई वाई. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन वाई वाई खाते हैं. अभी मैं खाना खा लेती हूँ, खाना अभी मैं मैगी खा लेती हूँ, उसके बाद पापा का इंतज़ार हो रहा है. साथ में बन रही है यहाँ पे मेरी वाई वाई. मुझे बहुत अच्छी लगती, मुझे इसलिए ये अच्छी लगती है क्योंकि इसका ये मसाला और ये जो ये इसमें चिली चिली फ्लेक्स होती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए. तो चलो, और भाभी भी रेडी हो चुके हैं. अभी भाभी वॉक कर रहे हैं और जब वॉक करते हैं तो टाइम नहीं देखते, टाइम देख के कोई वॉक नहीं करते. भाभी पूरे पूरे रेडी हो चुकी. तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए. बंदर कहाँ है? ये सामान पैक कर दिया है सारा का सारा. पापा मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग भी मेरा व्लॉग देखा करो यार. और भाभी भी रेडी हो चुके हैं. ये भाभी का सामान है, सामान ही सामान है. मेरी भाभी को शर्म आती है. तो फाइनली हम सब घर पहुंच चुके हैं और जब हम आए तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और आमा मेरी ट्रॉफी देख रहे हैं. मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो रही है. तो आपको व्लॉग में भी ऐसा दिखेगा कि आज मैंने व्लॉग बनाया तो फिर मैंने कल एकदम से जंप कर दिया नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम से भर रहा और उसको स्टोरेज खाली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, मेरे फ़ोन की स्टोरेज. फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इतनी तेज़ बारिश लगी आते आते. अभी मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे बस मैं घर जा रही हूँ तो भगवान का ज़्यादा ही खुश हो रहा है. और मम्मी और आमा वेट कर रहे थे काफ़ी लेट. मेरी बैंड बज चुकी है, हम अभी काम करने के लिए गए थे खेत में पार और बस मैं अभी भी आई हूँ. और यहाँ पे हमारे गांव में ना वो आते हैं घंटी वाले बोलते हैं उनको ना, और वो काफ़ी कुछ लेके आते हैं साथ में. जी जी लेके आते हैं तो हमने इमली ली, गोलगप्पे लिए, आपको बताती हूँ हमने क्या क्या लिया अभी. और अभी सफाई हो रही है घर की, मेरी बैंड बज चुकी है, देख सकते हो आप अपने खेत जाने. गप्पे लिए और भी काफ़ी कुछ है इधर हमारे लिए खाने के लिए. भाभी इमली भी ली है, भाभी आजकल इमली खाती है बहुत. भाभी को देख लेंगे इतने बेताब है सब. दो इमली अच्छी भाभी. इतना मज़ा नहीं आता ये जलजीरे वाले वो खाने का, पर चलो कोई बात नहीं. हम तो वो है कि अंगूर खट्टे हैं, किस किसने कहानी सुनी, खाएंगे भी फिर उसमें ऐप भी निकाल लेंगे. ऐसा होता है यार, वैसे सब करते हैं ऐसा. और रिग्रेट होता है सबसे पहले तो, अगर मैं कुछ खा लेती हूँ ना उसके बाद मुझे रिग्रेट होता है यार ये क्यों लिया, इससे अच्छा वो मंगवा लेते. सबसे ज़्यादा मुझे खाने के मामले में होता है. जलजीरे वाली खुशबू आ रही थी. हाँ? क्या बोल रहे हो? पता लग रहा है ब्लॉग बना रही हूँ? नहीं लग रहा पता? क्यों? मैंने मारा नहीं तेज़ देखे तो रबी ऐसे देखे. ये गोल गप्पे. ये तो आज तेरे बना दी से बोलो आप ही आज तेरे बना. इसको ऐसे फोड़ेंगे मम्मी. इसको ऐसे देखो. अब देखते हैं, ट्राई करती हूँ कैसा लगता है मुझे. सबसे बड़ा वाला उठा कैसे लगे. कितना बड़ा है? गोबर.
भाभी बेरहम। भाभी का रिएक्शन देखते हैं, भाभी कैसे लगे? वो जी अब आम्मा का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? आम्मा वाला इधर लगा, अच्छा कटर कटर। सूजी वाले गोलगप्पे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और मेरी आमा बहुत ज़्यादा एज्ड है तो उनके दांत भी नहीं है, और हमें बाद में याद आया कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर ये फिर भी आमा ने खा लिए। हमने गोलगप्पे खा लिए, उसके बाद रेस्ट किया। अब मैं आपको लेके चलूँगी अपनी गाय से मिलवाने के लिए। तो हम आ गए अपनी प्यारी सी गाय के पास। हेलो हेलो कर, ओए कान कैसे हिला रही हूँ। अभी हम लोग आए हैं गाय के पास पानी पिलाने के लिए और घास देने के लिए। घास यहाँ पे रखा हुआ है, ये देना है, और पानी वहाँ है। हमारा काम फिनिश हो चुका है और इधर इतने सारे मक्खू मक्खू होते हैं, देखो गोई टू। थैंक यू सो मच भाभी इतनी गजब की मेरे को मसाज देने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। आए हाय गैस करो कि अभी मैं कहाँ हूँ बैठी हुई। मैं गाय के पास हूँ बैठी हुई अपनी, ये नहीं है मेरी गाय, ये तो मेरी भाभी है। गाय तो वहाँ है पर। हेलो गाय, देखो प्रेग्नेंट है ना वो, इसलिए हम बैठे हैं इसके मुँह के पास। इसको घास डालने के लिए आया थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी है, अब हम जा नहीं सकते तो हम लोग यहीं बैठे। आज हमने बनाए हैं मीठे रोटियाँ, क्या बोलते हैं बटूरू, मीठे मीठे बटूरू, क्योंकि भाभी और भैया की एनिवर्सरी है। तो आज भी शादी थी और कल, जिनको पता होगा एक साल हो चुका है मेरी भाभी भैया की शादी को, और यहाँ हूँ मैं। मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे, मम्मी अभी लगी है, हाथ देखो मेरे गिले ही है अभी भी, और यहाँ पर भाभी बैठी है शरीफ बच्चों की तरह। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस भाभी। आप लोग भी बोल दो फटाफट से, कमेंट कर दो। ये है हमारी मीठी मीठी रोटियां, नहीं सुंदर लगा करो, सुंदर लगा करो भाभी। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है, क्लाउडी क्लाउडी सा। और आपको पता है मैं कहाँ सोई हूँ? मैं सोई हूँ इस वाले मंजे पे। आप बताओ मुझे कौन कौन इस वाले मंजे पे सोया हुआ है। ये टूट भी गया थोड़ा सा यहाँ से, पर मुझे फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये वाला। इसको ये ना ऐसे बनता है, बहुत पुराने ज़माने का है ये। और यहाँ पे मैंने धूप में लगाया है, ये पुराना घर है हमारा, यहाँ से टूट गया है ये, पर मतलब इसके ये जो ये होते हैं ना ये वो जैसे पट्टे जैसे वो निकल गया है। तो इस मौसम के साथ हम बैठे हैं यहाँ पे धूप सेकते हुए। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। तो अभी हम लोग डेकोरेशन का काम कर रहे हैं और मम्मा है बाहर। हमने बहुत ज़्यादा काम किया, अभी कनक ढोई हमने, ये देखो गेहूँ, और मम्मी यहाँ पे गेहूँ का काम कर रहे हैं। अरे फोकस हो जा, ये है हमारी कनक। अभी हमने है ये मम्मी भाभी ने लाया हुआ था, और किसकी इसकी डोरी शायद इसी से ही निकालेंगे हम। तो ये हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ डेकोरेशन करेंगे, और मेरी तो बैंड बज चुकी है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब जाके हम लोग फ्रेश हुए थे, फिर हमने थोड़ी सी रेस्ट किया। आप देख सकते हो मेरी शक्ल की जैसे हालत ख़राब हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं डेकोरेशन, इस तरफ हम सोच रहे हैं डेकोरेशन करने से। चलो फाइनली पूरी की पूरी डेकोरेशन हो चुकी है, पूरी तो पूरी कहाँ, ये थोड़ी सी, और एक घूमने वाला बल्ब लगाया हम लोगों ने, और यहाँ पे लिखा है हमने हैप्पी एनिवर्सरी, और ये बलून जो मैंने लगाया, मेरे पास टेप नहीं थी तो हमें इसी से काम चलाना पड़ा। और ये बलून को फुलाने के लिए मेरी तो हालत टाइट हो गई, और ये मेरा न्यू सूट फुलकारी, न्यू तो नहीं है पुराना है, इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्रयोग। और यहाँ है मेरा मोचू, मम्मी बैठी हुई, आप बुझाओ आप बुझाओ। हैप्पी एनिवर्सरी, और ये धुआं उड़ता हुआ और यहाँ हूँ मैं सारी डेकोरेशन करके बैठी हुई। पकड़ो पापा भी खाना बना रहे अपने लिए, बना और यहाँ पे हम सब केक कट कर रहे हैं। क्या केक
इतना के कम ले आया नहीं। सो सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, पर मैं क्या करूँ, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। और नेक्स्ट डे मैं और भैया वापस आ गए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला क्योंकि दो तीन दिन की छुट्टियाँ थी इसलिए। और ये थी स्वीट सी मेमोरी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, टूटा फूटा व्लॉग बनाया मैंने। कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बोल दो मुझे, जो मेरी ये मिस्टेक्स है वो भी मुझे बता दो, और मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, देन बाय।